कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल के सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद में मुझे पता चला है कि यूपीपीसीएल में मैटलैब और ऑटोकैड ही नहीं और अदर भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि ई टैब, ये सॉफ्टवेयर आया था। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर कलेक्शन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला सॉफ्टवेयर का नाम है ई टेप, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम, इसकी ये फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। इसका काम होता है कि एक नेटवर्क को मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए और ये पावर सिस्टम में ऑटोमेशन प्रदान करता है और ये पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज ही होता है। ऐसे ही दूसरा सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, इसको ऑटोडेस्क ने बनाया है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वायरिंग प्लान को डिजाइन कर सकते हैं, मशीन डिजाइन भी कर सकते हैं, 2D 3D डायमेंशन में कर सकते हैं। और ऑटोकैड की फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। PLC की फुल फॉर्म सभी को पता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और इसका उपयोग इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन के लिए होता है। स्कैडा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। स्कैडा की फुल फॉर्म आप लोगों को सभी को पता है, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, पावर सिस्टम में इसका उपयोग होता है, पावर प्लांट में, जनरेशन में, स्टेशन में, सब स्टेशन में और इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। इसका बॉयलर में भी यूज होता है, बॉयलर की पाइप को अगर कहीं पर भी फॉल्ट आता है तो तुरंत वहाँ पर हमको इसे पता चलता है। और ए ऑब्लिक सी ड्राइव, ए ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए जैसे टाटा स्टील है कंपनी, इन कंपनियों में बड़ी बड़ी स्टील क्षेत्र में इसका यूज होता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो ये प्रोटस एंड पी स्पाइस है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ऑर्कैड, कहीं पर तो ये ऑर्कैड ORCAD इस तरीके से लिखा मिलेगा और कहीं पर ये इस तरीके से मिलेगा ORCAD। तो इसका जो नाम है ये दो नामों से मिलकर बना है, एक है ऑर्गन और प्लस कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दो नामों से मिलकर के ऑर्कैड बना है। इसका काम होता है डिजाइनिंग PCB को डिजाइन करने के लिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जाइलिक्स, तो फ्रेंड्स जाइलिक्स के बारे में आप देखना और KEIL, इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में आपको देखकर पता लगाना है। KEIL ये भी क्या, इसका काम होता है कि सी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो उसका नाम है PSCAD, ये पावर सिस्टम कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म है पावर सिस्टम कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पावर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इसका स्पेशली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है प्रोटस, इसका भी यूज इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और ऑटोमेशन में होता है PCB को डिजाइन करने के लिए। और नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है PSPICE सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस। इसका काम होता है सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रोग्राम का सिमुलेशन करना। आगे कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि इलेक्ट्रिकल में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑटोकैड है, PLC प्रोग्रामिंग है, स्कैडा है। फ्रेंड्स, मैंने सारे सॉफ्टवेयर बताने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम डीपली तो हम भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप इन सॉफ्टवेयर को देखिए और इनको अच्छे से पढ़िए। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर पूरे सॉफ्टवेयर की कमांड हम नहीं पढ़ सकते हैं तो बेसिक उनका इलेक्ट्रिकल में क्या क्या यूज होता है इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा कीकैड है, सॉलिड वर्क्स है, ऑटोडेस्क ईगल सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। और कीकैड है, डायलक्स है, जाइलिक्स है सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे से पढ़ना है।